बच्चों हम लोग सीखेंगे इम्फैटिक सेंटेंसेस, क्रिया पर जोर देने वाले वाक्य, जिन वाक्यों में हम लोग क्या होंगे क्रिया पर जोर देंगे। देखो कैसे क्रिया पर जोर दिया जाए, देखिए सेंटेंस समझिए। देखो जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता तो हूं, ठीक है, मैं पढ़ता तो हूं। वैसे सामान्य सेंटेंस तीन टेंसों में होंगे, प्रेजेंट टेंस में भी इम्फेटिक सेंटेंस होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है, तो तीनों टेंसों में हम लोग सीखते हैं। देखो तो आराम से बैठ जाओ और उतारो, ठीक है। देखो तो मैं पढ़ता तो हूँ, नमस्ते, मैं पढ़ता हूँ, एक वाक्य है मैं पढ़ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सामान्य वाक्य है, आई रीड, ठीक है, आई रीड, क्योंकि आई बहुवचन है, बहुवचन के साथ ये सीआईएस का प्रयोग नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इम्फैटिक सेंटेंस, प्रेजेंट और इतना ही लिखते हैं, इंडेफिनिट आप समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इम्फैटिक सेंटेंस सीखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ये तो शब्द जो है इसकी अंग्रेजी हम डू या डच लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डच लगाएंगे, और डू या डच के साथ आपको पता है ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये सीआईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो जिसमें तो शब्द आया है तो इसमें क्या कर देंगे, आई डू रीड, ठीक है, आई डू रीड हो जाएगा, बस इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। आप लोग उतारते जाओ साथ साथ, ठीक है, आई डू रीड, ठीक। अगला है जैसे राम जाता तो है, राम जाता तो है, ये तो ही शब्द जरूरी नहीं है, कभी कभी अवश्य भी आएगा, जरूर भी आएगा, तब भी हम इसी तरीके से उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो देखो राम जाता तो है, तो क्या हो जाएगा, राम डज, राम डज गो, क्यों लगेगा, क्योंकि ये राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर तो की अंग्रेजी हमने क्या लगाई, डच लगा दी, ठीक। तो इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, जब तो शब्द आ जाए, जरूर शब्द आ जाए, अवश्य शब्द आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में डू या डज का प्रयोग कर देंगे, ठीक। उतारो साथ साथ उतारो, फिर मिटा देंगे ये वाला। अगला देखो, अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पर, एक और देखते हैं, इसमें नेगेटिव वाक्य नहीं होते हैं, नेगेटिव वाक्य होगा तब उसका वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें डू या डज ऑलरेडी प्रयोग होती है नेगेटिव वाक्य में, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता है, केवल ये सिंपल सेंटेंस में ही होते हैं। अगला है पास्ट इंडेफिनिट, देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जब तो शब्द आएगा, इसमें जरूर भी यहाँ पर ठीक लग जाता है, इसलिए बोल लिखा जाता है, तो आएगा, जरूर आएगा, अवश्य आएगा, तो इन शब्दों में क्या होता है, इन शब्दों के लिए क्या हम प्रयोग कर देंगे, साधारण वाक्यों में डिड लगा देंगे, और डिड के साथ क्या आएगी, डिड आने पर फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, डिड आएगी तब। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों टेंसों में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हम लोग नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ए सी आई एस काम चला लेते हैं, उधर वाले में सेकंड फॉर्म चला लेते हैं। तब इसमें देखो क्या है, जैसे मैंने झूठ अवश्य बोला, मैंने झूठ अवश्य बोला, तो क्या हो जाएगा, आई डिड टेल, टेल ए लाई, मैंने झूठ अवश्य बोला, या वह दिल्ली जरूर गया, वह दिल्ली, डिड जो होती है वो एक सब्जेक्ट, एक सहायक क्रिया होने के कारण चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ लग जाती है, तो वह दिल्ली अवश्य जरूर गया, ऐसे लिख दो, जरूर गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ही डिड गो टू दिल्ली हो जाएगा, इस तरीके से बना लेंगे हम लोग। और क्या हो सकता है, वह पढ़ता तो था, ऐसे भी हो सकता है, या वह खेलता तो था, यहाँ पर लिख देते हैं, वह खेलता तो था, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डिड प्ले, ठीक है, ही डिड प्ले। अब आई बात हम लोगों की, प्रेजेंट इंडेफिनिट निपट गया, पास्ट इंडेफिनिट निपट गया इम्फेटिक सेंटेंसों में, अब हम लोग आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पर, फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो होता है उसमें साइक्रियाएं हम लोग उल्टी लगा देते हैं, साइक्रियाएं उल्टी कर देंगे। देखो जब तो आएगा, वही शब्द वही रहेंगे आपके, तो आएगा, जरूर आएगा, अवश्य आएगा,
ऐसे शब्द आएंगे तब हम क्या करेंगे, आई बी जो होगा, आई बी के साथ सामान्य रूप से सेल का प्रयोग होता है, लेकिन हम यहाँ पर आई बी के साथ क्या कर देंगे, आई बी के साथ बिल कर देंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उनके, बाकी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे। उल्टी साई क्रिया कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बनता है, जैसे मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, तो आई विल गो टू। वचनबद्धता के लिए या दृढ़ता प्रकट करने के लिए हम लोग ये ऐसे इस तरीके से इम्फेटिक सेंटेंसों को बनाते हैं। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, या मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, तब भी इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। देखो अगला, अब है एक और वाक्य लिख लेते हैं कि श्याम आज अवश्य खेलेगा, अवश्य खेलेगा, श्याम आज अवश्य खेलेगा। ये आप लोग कुछ सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि श्याम आज अवश्य खेलेगा कैसे बनेगा, ठीक। तो मेरी समझ में आज ये टॉपिक आपका खत्म हुआ।